वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो फिफ्थ चैप्टर है दैट इज कैप्सूल के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने कैप्सूल के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ कैप्सूल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैप्सूल एंड डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया था। इस वीडियो में हम जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसको एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप के कैप्सूल होते हैं, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है हार्ड जिलेटिन से ही बना हुआ होता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल रखा गया है। तो हमें पहले ही देखा था कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो पीस होते हैं। पहला पीस जो अपर वाला पीस है उसे हम कैप बोलते हैं एंड जो लोअर पीस है उसे हम बोलते हैं बॉडी। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो बनके रेडी हो जाता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज ड्राई फिल्ड कैप्सूल, दे कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन दैट इज बॉडी एंड कैप। सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को हम ड्राई फिल्ड कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर कभी भी ड्राई चीज़ को ही फिल करते हैं। जैसे कि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर या तो ड्राई पाउडर को फिल कर सकते हैं या फिर ड्राई ग्रैन्यूल्स को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोई भी लिक्विड वाले चीज़ को नहीं भर सकते हैं, पेस्ट हो गया, लिक्विड हो गया या फिर कोई भी सोल्यूशन को हम इस कैप्सूल के अंदर नहीं भर सकते हैं। इसीलिए हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को ड्राई फिल्ड कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। हमने अभी देखा जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैप और दूसरा होता है बॉडी। इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो बनके रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन कैप्सूल को देख लेते हैं। सो जैसे कि हमने टैबलेट वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि एक्सीपिएंट्स का मतलब क्या होता है। सो एक्सीपिएंट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी मेडिसिनल वैल्यू तो नहीं होता, लेकिन ये किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि अगर मुझे कैप्सूल बनाना है या फिर मुझे अगर टैबलेट बनाना है या फिर मुझे सस्पेंशन, इमल्शन या कोई भी टाइप का डोसेज फॉर्म बनाना है, तो उसके अंदर जो एक्सीपिएंट्स होता है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। हमने टैबलेट में ये भी डिस्कस किया था कि जो एक्सीपिएंट्स होता है उसे हम एडिटिव्स के नाम से भी जानते हैं। सो हमारे कैप्सूल्स के अंदर भी कुछ एक्सीपिएंट्स यूज होते हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सो सबसे पहला एक्सीपिएंट्स यूज होता है कैप्सूल में, उसका नाम है डाइल्यूएंट्स। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट एडेड टू द कैप्सूल इज टू स्मॉल देन द डाइल्यूएंट्स आर एडेड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द डोसेज फॉर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज बल्किंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉमनली यूज डाइल्यूएंट्स आर लैक्टोज, मैनिटोल, सॉर्बिटोल, स्टार्च एंड एक्सेट्रा। सो डाइल्यूएंट एक ऐसे मटेरियल होते हैं, एक ऐसे एक्सीपिएंट्स होते हैं जब हमारे ड्रग का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इतना कम होता है कि उसे हम किसी भी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर मेरा डोसेज फॉर्म जो है वो मुझे बनाना है थोड़ा सा बड़ा, और जो मेरे ड्रग का वैल्यू है, जो मेरे ड्रग का वेट है वो है 0.5 mg या 0.10 mg, तो 0.5 mg या 0.10 mg को मैं कभी भी एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसे डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी मुझे। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस 0.5 mg वाले या फिर 0.10 mg वाले ड्रग में बहुत सारा हम डाइल्यूएंट डाल देते हैं। सो डाइल्यूएंट डालने के बाद होता क्या है, ये जो ड्रग है ये ड्रग का भी वेट इंक्रीज़ हो जाता है, जो बल्कनेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तब हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रग को कैप्सूल फॉर्म में एकदम अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कॉमनली यूज डाइल्यूएंट्स होता है वो होता है स्टार्च, लैक्टोज, मैनिटोल, सॉर्बिटोल। नेक्स्ट एक्सीपिएंट होता है एडसॉर्बेंट्स। सो एडसॉर्बेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द मटेरियल, व्हेन द ड्रग फील्ड इन द कैप्सूल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड कॉमनली यूज एडसॉर्बेंट्स आर ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड केओलिन। सो एडसॉर्बेंट एक ऐसा मटेरियल होता है, ये क्या करता है, किसी भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर वाटर का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो, सो वैसे सब्सटेंस के अंदर ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। सो एडसॉर्बेंट का यूज़ हम वैसे वाले कैप्सूल के अंदर करते हैं जिनके अंदर जो ड्रग फील करना होता है वो ड्रग थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो। अगर वो ड्रग में वाटर प्रेजेंट हो तो वैसे ड्रग को हम कैप्सूल के अंदर आसान तरीके से नहीं फील कर सकते, लेकिन अगर वहाँ पे हम एडसॉर्बेंट का यूज़ करते हैं तो एडसॉर्बेंट के यूज़ करने की वजह से वो जो मटेरियल है, वो जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है, उसे हम आसान तरीके से किसी भी कैप्सूल के अंदर भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडसॉर्बेंट करता क्या है, एडसॉर्बेंट क्या करेगा, उस ड्रग के अंदर जितने भी वाटर है उसे क्या करेगा, अपने अंदर एड्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट एक्सीपिएंट होता है ग्लाइडेंट। टू इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इनटू द कैप्सूल्स ग्लाइडेंट्स आर यूज्ड। द कॉमनली यूज्ड ग्लाइडेंट्स आर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टीयरेट्स, ग्लाइकोल ईस्टर्स, टाल्क एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
तो ग्लाइडेंट एक ऐसा मटेरियल होता है, ये क्या करता है, किसी भी पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर देता है। देखिए हमें क्या करना पड़ता है, कैप्सूल के अंदर ग्रैन्यूल्स या फिर हमें पाउडर को उसके अंदर भरना होता है। तो जब पाउडर को हम इस कैप्सूल के अंदर भरेंगे तो हमारा जो फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए पाउडर का, वो फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसे और अच्छा करने के लिए, एक बेहतरीन फ्लो प्रॉपर्टी लाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लाइडेंट का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ग्लाइडेंट के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टीयरेट, ग्लाइकोल्स, इस्टर्स, टाल्क एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एक्सीपिएंट्स होता है एंटी डस्टिंग कंपाउंड्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स, लॉट ऑफ डस्ट कम्स आउट ऑफ द मशीन, कैन कॉज प्रॉब्लम टू द ऑपरेटर, हैंस टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ डस्ट एंटी डस्टिंग एजेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। द कॉमनली यूज एंटी डस्टिंग कंपाउंड्स आर एडिबल ऑयल। सो एंटी डस्टिंग कंपाउंड होता क्या है कि जब हम कैप्सूल को बनाते हैं, जब कैप्सूल के अंदर हम कोई भी ड्रग को भरते हैं, तो वो ड्रग भरने की वजह से क्या होता है, वो टाइम पे बहुत सारे जो डस्ट होते हैं, यानी कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना चालू होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो ऑपरेटर होता है, यानी कि ऐसा पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है उस डस्ट से। सो इसे कम करने के लिए हम एंटी डस्टिंग कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो एंटी डस्टिंग कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कैप्सूल के अंदर ज़्यादा करके एडिबल ऑयल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो डस्ट का क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, और जो डस्ट है वो कैप्सूल फॉर्मुलेशन के टाइम पे थोड़ा सा कम निकलता है, जिसके वजह से जो ऑपरेटर है, जो वहाँ पे ड्रग को फॉर्मुलेट कर रहा है, जो फॉर्मुलेशन बना रहा है, उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। तो होप आपको जो एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं कैप्सूल के अंदर, वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम प्राइमरी इंग्रेडिएंट इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल को देख लेते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, जो इनका जो शेल होता है, यानी कि जो आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होता है, ये बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे कि जिलेटिन से बना हुआ होता है, ये प्लास्टिसाइजर से बना हुआ होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें इन्हीं को एक एक करके देखना है, लेकिन इनको देखने से पहले हमें दो वर्ड का मतलब समझना होगा। पहला होता है कोलेजन एंड दूसरा होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो कोलेजन क्या होता है, कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन होता है, ऐसा प्रोटीन होता है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू होती है एनिमल बॉडी के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, ये कोलेजन प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या, ये ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है ये, जहाँ पे जो भी प्रोटीन होता है या फिर जो भी कंपाउंड होता है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, जहाँ पे वो पॉइंट पे वो प्रोटीन के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, वो नेगेटिव चार्जेस या फिर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा, उस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा। सो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो पहला जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो होता है जिलेटिन। सो जिलेटिन इज़ अ प्रोटीन, इट इज़ जनरली मेड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। सो जिलेटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, अगर हम कोलेजन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तब हमें क्या देखने मिलता है, वहाँ पे जिलेटिन का फॉर्मेशन देखने मिलता है। पॉर्क स्किन, बीफ स्किन एंड क्रस्ट बोन आर मेनली यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन। तो जो पॉर्क स्किन होती है, यानी कि जो पिग की चमड़ी होती है, या फिर जो बीफ स्किन होती है, या फिर जो एनिमल के बोन होते हैं, उनके मिक्सचर से, उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिलेटिन को फॉर्मुलेट करते हैं। सो द जिलेटिन आर प्रेजेंट इन टू टाइप्स, टाइप ए जिलेटिन एंड टाइप बी जिलेटिन। तो हमारे पास जिलेटिन ज़्यादा करके दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है टाइप ए जिलेटिन एंड दूसरा होता है टाइप बी जिलेटिन। टाइप ए जिलेटिन इज ऑप्टेन्ड बाय एसिड ट्रीटमेंट ऑफ पिग स्किन एंड टाइप बी जिलेटिन इज ऑप्टेन्ड बाय अल्कली ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल बोन। सो जो टाइप ए जिलेटिन होता है वो हमें कैसे मिलता है, अगर हम पिग स्किन यानी कि जो पॉर्क के स्किन होते हैं उसको अगर हम उसके अंदर हम एसिड ट्रीटमेंट कर दें, उसे हम अगर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे हमें टाइप ए जिलेटिन का फॉर्मेशन देखने मिलता है। अगर हम किसी भी बोन को यानी कि किसी भी एनिमल के बोन के अंदर अगर हम अल्कली ट्रीटमेंट कर दें, यानी कि कोई भी मेरे पास एनिमल बोन है, वो एनिमल बोन को मैं कोई भी अल्कली मटेरियल यानी कि बेसिक मटेरियल के साथ उसे अच्छे तरीके से ट्रीट कर दूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या होगा, टाइप बी जो जिलेटिन है उसका फॉर्मेशन देखने मिलता है। सो जो टाइप ए जिलेटिन होता है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 9 होता है, यानी कि ये वाले पीएच पे जिलेटिन जो होता है, टाइप ए जिलेटिन जो होता है, उसके अंदर जो भी नेट चार्जेस होंगे वो चार्जेस ज़ीरो होंगे, और टाइप बी का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो होता है पीएच 4.7 पे। तो 4.7 पीएच पे क्या होता है, टाइप बी जिलेटिन के अंदर जितने भी नेट चार्जेस होते हैं
वो वहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं। जिलेटिन मेल्ट्स अपॉन हीटिंग बट सॉलिडिफाई वन स्कूल एंड विथ वाटर इट फॉर्म सेमी सॉलिड कोलोइडल जेल। सो जो जिलेटिन होता है, तो जिलेटिन को जब हम मेल्ट करते हैं यानी कि जब हम इसे हीट देंगे, तो हीट देने की वजह से जिलेटिन मेल्ट हो जाता है और हमें यहाँ पे एक जिलेटिन का सोल्यूशन देखने मिलता है। लेकिन ये जो जिलेटिन होता है, ये एक बार अगर हम इसे ठंडा करते तो ये वापस सॉलिड थोड़ा हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसके अंदर अगर वाटर का यूज़ कर देते हैं जिलेटिन का, तो हमें ये जो जिलेटिन है थोड़ा सा सेमी सॉलिड मटेरियल टाइप देखने मिलता है हमें। तो होप आपको जो जिलेटिन है वो समझ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं जिलेटिन के अंदर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है प्लास्टिसाइजर्स। सो प्लास्टिसाइजर्स आर अ टाइप ऑफ एडिटिव्स दैट इंक्रीज द प्लास्टिसिटी और फ्लूडिटी ऑफ अ मटेरियल। सो प्लास्टिसाइजर्स ये भी एक टाइप का एक्सीपिएंट ही होता है, एक टाइप का एडिटिव्स ही होता है, जो क्या करता है किसी भी मटेरियल का यानी कि कैप्सूल का जो प्लास्टिसिटी होता है, जो फ्लूडिटी होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द जिलेटिन सो द कैप्सूल कैन मेंटेन इट शेप। सो ये जो प्लास्टिसाइजर्स होता है ये क्या करता है, कैप्सूल का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होता है उसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से जो कैप्सूल का जो शेप होता है वो लंबे समय तक मेंटेन रहता है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर्स इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर सॉर्बिटोल एंड ग्लिसरीन। सो जो मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर्स होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर वो होता है सॉर्बिटोल एंड ग्लिसरीन। सो नेक्स्ट हमें देखना है अदर कंपाउंड्स के बारे में। सो अदर कंपाउंड्स और अदर कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव सच एस मिथाइल पैराबिन, लुब्रिकेंट सच एस स्टीयरिक एसिड एंड वेरियस कलरिंग एजेंट सच एस कोल्टार डाइज एंड पिगमेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड में ऑल्सो भी इंक्लूडेड फॉर ओपेसिफाइंग इफेक्ट, फ्लेवरिंग एजेंट में ऑल्सो भी यूज। सो बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल के अंदर करते हैं, जैसे कि कोल्टार डाइस एंड पिगमेंट एज अ कलरिंग एजेंट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, देन मिथाइल पैराबिन एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, देन जो लुब्रिकेंट होता है उसका भी यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि स्टीयरिक एसिड जो होता है, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हम, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि एक टाइप का ओपेसिफाइंग एजेंट होता है उसका भी यूज़ हम क्या करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल के अंदर करते हैं, या फिर बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सो होप आपको जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूज्ड होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल के अंदर वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल को देख लेते हैं। सो ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तकरीबन 8 स्टेप्स होते हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले होता है जिलेटिन सोल्यूशन। इन दिस स्टेप ड्राई जिलेटिन इज हीटेड टू मेक इट अ सोल्यूशन एंड दिस हॉट जिलेटिन सोल्यूशन इज देन ट्रांसफर्ड टू अ डीप पैन और पॉट विच होल्ड्स द हॉट जिलेटिन सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये वाले स्टेप के अंदर हम करते क्या है, जो भी ड्राई जिलेटिन होता है उस ड्राई जिलेटिन को हम हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से जो ड्राई जिलेटिन है वो एक जिलेटिन सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो जिलेटिन सोल्यूशन है यानी कि जो हॉट जिलेटिन सोल्यूशन होता है इसे हम करते क्या है, उसके बाद हम इसे डीप पैन में या फिर एक पॉट के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसे को हम बोलते हैं पॉट, और जो सेकंड डायग्राम है इसे हम बोलते हैं डीप पैन। तो या तो हम इसे पॉट में स्टोर करके रखते हैं या फिर हम डीप पैन में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है डिपिंग। इन दिस स्टेप स्टेनलेस स्टील पिन आर सबमर्ज इन द हीटेड जिलेटिन सोल्यूशन टू फॉर्म कैप एंड बॉडी। द पिन्स आर मेंटेन एट 20 टू 22 डिग्री सेल्सियस वेर इज द डिपिंग सोल्यूशन इज मेंटेन एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ डिपिंग पैन। द लेंथ ऑफ टाइम टू कास्ट द फिल्म इज अबाउट 12 सेकेंड। द थिकनेस ऑफ कैप्सूल शेल इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन सोल्यूशन एंड स्पीड एंड द टाइम ऑफ डिपिंग। तो इस वाले स्टेप में हम करते हैं क्या है कि हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील पिन प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है यही होता है एक स्टेनलेस स्टील पिन। तो ये स्टेनलेस स्टील पिन को हम क्या करते हैं हॉट जिलेटिन सोल्यूशन, जो जिलेटिन सोल्यूशन होता है उसके अंदर हम इसे डाल देते हैं। इसके अंदर हम तकरीबन 12 सेकेंड तक डाल के रखते हैं। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो मेरा स्टेनलेस स्टील पिन है उसका टेम्परेचर तकरीबन 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और जो मेरा जिलेटिन सोल्यूशन है, जो हॉट जिलेटिन सोल्यूशन है, उसका टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए।
अब यहाँ पे मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ, जो मेरा कैप्सूल शेल का जो थिकनेस है वो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अब हम ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो डीपिंग टाइम होता है या फिर जो मेरा जिलेटिन सोल्यूशन का जो विस्कोसिटी होता है उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो कैप्सूल शेल है उसका जो थिकनेस है वो डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मुझे जो मेरा कैप्सूल शेल है वो बहुत ज़्यादा मोटा चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला चाहिए या एक मीडियम शेप में चाहिए। तो ये वाले स्टेप में ही हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है स्पिनिंग। आफ्टर डिपिंग द पिंस आर एलिवेटेड एंड स्पिन्ड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द जिलेटिन ओवर द सर्फेस ऑफ पिन। तो डिपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्पिनिंग। तो स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा पिन होता है, जो ये जो स्टेनलेस स्टील पिन है जिसके ऊपर अब अच्छे तरीके से जिलेटिन सोल्यूशन आ चुका है, वो उस पिन को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिन करते हैं, घुमाते हैं इसे हम। अब यहाँ पे घुमाने से होता क्या है कि जो भी जिलेटिन सोल्यूशन इस पिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो जिलेटिन सोल्यूशन और अच्छे तरीके से यहाँ पे शेप ले लेते हैं कैप एंड बॉडी का। तो जो भी कैप्सूल के अंदर कैप एंड बॉडी होता है उसका शेप यहाँ पे अच्छे तरीके से वो जो जिलेटिन सोल्यूशन है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ड्राइंग। इन दिस स्टेप द जिलेटिन सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द पिंस आर ड्राइड विद द हेल्प ऑफ कूल एयर। आफ्टर ड्राइंग द जिलेटिन सोल्यूशन गेट सॉलिडिफाई। सो ड्राइंग वाले स्टेप में हम करते क्या है कि जो भी जिलेटिन सोल्यूशन हमारे स्टेनलेस स्टील पिन के ऊपर प्रेजेंट है उस जिलेटिन सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक कूल एयर से, एक ठंडी हवा से उसे हम ड्राई करवाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जो भी मेरा जिलेटिन सोल्यूशन पिन के ऊपर प्रेजेंट होता है वो ठंडे हवा के वजह से, ड्राइंग के वजह से सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रिपिंग। एज अ सीरीज ऑफ ब्रॉन्ज जॉ आर यूज टू स्ट्रिप द कैप एंड बॉडी पार्ट ऑफ द कैप्सूल फ्रॉम द पिन। सो स्ट्रिपिंग वाले स्टेप में हम करते हैं क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक मटेरियल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ब्रॉन्ज जॉ बोलते हैं। इस ब्रॉन्ज जॉ के वजह से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्टेनलेस स्टील पिन के ऊपर जो भी कैप एंड बॉडी फॉर्म हुआ है उस कैप एंड बॉडी को हम इस ब्रॉन्ज जॉ के मदद से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रिमिंग। द स्ट्रिप्ड कैप एंड बॉडी पार्ट्स आर फर्दर ट्रिम टू द रिक्वायर्ड लेंथ बाय यूजिंग स्टेशनरी नाइफ्स। तो ट्रिमिंग में हम करते क्या है, जो भी हमारा कैप्सूल का जो बॉडी एंड कैप फॉर्म हो चुका है उस बॉडी एंड कैप को हम अच्छे तरीके से ट्रिम करते हैं, यानी कि जितना मुझे लेंथ चाहिए होता है उतना लेंथ हम रखते हैं और ये जो ट्रिमिंग है इसे हम एक स्टेशनरी नाइफ, एक चक्कू के जरिए करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए मुझे बड़ा कैप्सूल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसे उस तरीके से नाइफ के जरिए काटूंगा, लेकिन मुझे अगर कैप्सूल का साइज़ थोड़ा सा छोटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उस तरीके से मैं नाइफ के जरिए कैप्सूल के साइज़ को थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है जॉइनिंग। आफ्टर ट्रिमिंग टू द राइट लेंथ द कैप एंड बॉडी विच इज़ फॉर्म इन द प्रीवियस स्टेप आर अलाइन टूगेदर एंड दिस टू पोजिशन आर स्लोली पुश टूगेदर टू जॉइन दैम एंड फॉर्म अ कैप्सूल शेल। ये वाले स्टेप में हम करते हैं क्या है कि जो भी हमारा कैप एंड बॉडी फॉर्म हो चुका है उस कैप एंड बॉडी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जॉइन करते हैं और जॉइन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, हमारा जो कैप्सूल शेल है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है पॉलिशिंग। एम्प्टी कैप्सूल्स आर पॉलिश्ड इन अ पैन। एसिटाकोटा पैन इज यूज टू पॉलिश द एम्प्टी कैप्सूल्स। पॉलिशिंग वाले स्टेप में हम करते क्या है कि जो भी हमारा एम्प्टी कैप्सूल बन के रेडी होता है उस एम्प्टी कैप्सूल को हम एक पैन के अंदर क्या करते हैं, इसे हम अच्छे तरीके से पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने से होता क्या है कि जो भी हमारे कैप्सूल के ऊपर जितने भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो डस्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो इस वाले स्टेप में एकदम अच्छे तरीके से निकल जाते हैं और जो हमारे कैप्सूल का जो अपीयरेंस है वो क्या होता है, एकदम अच्छा दिखने लगता है। सो होप आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिलेटिन सॉल्यूशन। इस वाले स्टेप में हम करते क्या है कि हम ड्राई जिलेटिन को हीट करते हैं और वो ड्राई जिलेटिन कन्वर्ट हो जाता है एक हॉट जिलेटिन सॉल्यूशन में। फिर इस जिलेटिन सॉल्यूशन को हम एक इंस्ट्रूमेंट में स्टोर करके रख देते हैं। फिर इसके अंदर हमने देखा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डीपिंग। डीपिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील पिन होता है, इस स्टेनलेस स्टील पिन को हम क्या करते हैं, ये स्टेनलेस स्टील पिन एक ढांचा होता है, इस ढांचे को हम क्या करते हैं, इस स्टेनलेस स्टील पिन को हम क्या करते हैं जिलेटिन सॉल्यूशन के अंदर कुछ टाइम के लिए डाल के रख देते हैं और फिर बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से इस जो पिन है इसके ऊपर पूरी तरह से जिलेटिन सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेनलेस स्टील पिन होता है उसे अच्छे तरीके से हम स्पिन करते हैं, उसे अच्छे तरीके से रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी जिलेटिन सॉल्यूशन पिन के ऊपर प्रेजेंट है वो जिलेटिन सॉल्यूशन अच्छे तरीके से इस पिन के ऊपर बैठ जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी जिलेटिन सॉल्यूशन इस पिन के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम ड्राई करने का कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड एयर। तो ये कोल्ड एयर के वजह से, जो ठंडी हवा है उसके वजह से हम क्या करते हैं, जिलेटिन सॉल्यूशन जो कि स्टेनलेस स्टील पिन के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम ड्राई करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रिपिंग।
स्ट्रिपिंग में हम क्या करते हैं, जो भी मेरा जिलेटिन सोल्यूशन सॉलिडिफाई हो चुका है स्टेनलेस स्टील पिन के ऊपर, उसे हम क्या करते हैं, एक मटेरियल के जरिए, एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, इसे हम स्टेनलेस स्टील पिन के ऊपर से बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हमने देखा था ट्रिमिंग का। ट्रिमिंग में हम क्या करते हैं, कैप्सूल का जो बॉडी एंड कैप होता है उसे एक अच्छे तरीके से ट्रिम करते हैं जितना हमें साइज चाहिए होता है। फिर उसके बाद हमने देखा जॉइनिंग वाला स्टेप। जॉइनिंग वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी कैप एंड बॉडी हमारा फॉर्म हो चुका है उस कैप एंड बॉडी को हम क्या करते हैं, जॉइन कर देते हैं और एक कैप्सूल शेल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर लास्ट स्टेप हमने देखा था पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग में हम क्या करते हैं, जो भी मेरा एम्प्टी कैप्सूल है उस एम्प्टी कैप्सूल को हम अच्छे तरीके से पॉलिश कर देते हैं एक पैन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा कैप्सूल है उसका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइज ऑफ कैप्सूल। सो फॉर ह्यूमन यूज़ 8 टाइप ऑफ कैप्सूल साइजेस आर अवेलेबल। दिस एम्प्टी कैप्सूल रेंजिंग इन द साइज फ्रॉम 000 विच इज़ लार्जेस्ट टू 5 विच इज़ स्मॉलेस्ट। सो ह्यूमन यूज़ के लिए हमारे पास 8 साइजेस के कैप्सूल अवेलेबल होते हैं और ये कैप्सूल का साइज़ चालू होता है 000 से, जो कि सबसे बड़ा कैप्सूल होता है, और ख़त्म होता है साइज नंबर 5 पे, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कैप्सूल का जो साइज़ है वो कैसे कैसे वेरी करता है। जो 000 है वो सबसे ज़्यादा बड़ा कैप्सूल है और जो साइज़ नंबर 5 है वो सबसे ज़्यादा छोटा कैप्सूल होता है। नेक्स्ट हमें देखना है शेप ऑफ कैप्सूल। द स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कम इन ट्रेडिशनल सिलेंड्रिकल शेप्स। अदर शेप्स इंक्लूड पल्वियल शेप कैप्सूल एंड स्पेंसिल कैप्सूल्स। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल है ये ज़्यादा करके सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक दो शेप होते हैं जिसे हम बोलते हैं पल्वियल शेप कैप्सूल, और एक दूसरा कैप्सूल होता है जिसे हम स्पेंसिल कैप्सूल बोलते हैं। आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वाले डायग्राम को हम बोलते हैं पल्वियल शेप कैप्सूल और जो सेकेंड डायग्राम है उसे हम बोलते हैं स्पेंसिल कैप्सूल। नेक्स्ट हमें देखना है फिलिंग ऑफ हार्ट जिलेटिन कैप्सूल, यानी कि हार्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हम किस तरीके से कोई भी ड्रग्स को, कोई भी पाउडर को, कोई भी ग्रैन्यूल्स को हम इसके अंदर कैसे फिल करते हैं। सो हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन इज यूज फॉर फिलिंग ऑफ हार्ट जिलेटिन कैप्सूल। दिस मशीन इज मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील। सो जो ये फिलिंग होता है हार्ट जिलेटिन कैप्सूल का, ये एक मशीन के जरिए होता है जिसे हम बोलते हैं हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन। ये हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। जो अच्छे क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील होती है उससे ये हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैड हैविंग 200 to 300 होल्स, अ लोडिंग ट्रे हैविंग 200 to 300 होल्स, अ पाउडर ट्रे, अ पिन प्लेट, सीलिंग प्लेट विच इज़ मेड अप ऑफ रबर, लीवर एंड कैम हैंडल। सो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन कैसा दिखता है। सो इसके अंदर एक बेड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर तकरीबन 200 से 300 होल होते हैं, और एक लोडिंग ट्रे प्रेजेंट होता है और इस लोडिंग ट्रे के अंदर भी तकरीबन 200 से 300 होल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक पाउडर ट्रे भी प्रेजेंट होता है और एक पिन प्लेट प्रेजेंट होता है, जो आपको ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम पिन प्लेट बोलते हैं। एक सीलिंग प्लेट होता है, जो आपको ये साइड वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सीलिंग प्लेट, जो कि रबर का बना हुआ होता है, यानी कि जो इसका निचला हिस्सा होता है वो रबर का होता है या और पूरी तरह से ये स्टील का ही होता है, लेकिन जो निचला हिस्सा होता है इसका, ये वाला हिस्सा रबर से बना हुआ था, यहाँ पर रबर का एक लेयर अटैच होता है। फिर यहाँ पर एक लीवर प्रेजेंट होता है और फिर एक कैम हैंडल प्रेजेंट होता है। तो ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये हर एक पार्ट का एक एक काम होता है। जो ये जो आपको पिन प्लेट दिख रहा है और ये जो सीलिंग प्लेट दिख रहा है, ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि इसे हम ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन को देख लेते हैं। एम्प्टी कैप्सूल्स आर फिल्ड इनटू लोडिंग ट्रे। दिस लोडिंग ट्रे इज प्लेस्ड ओवर बेड। द बॉडी ऑफ कैप्सूल्स आर लॉक्ड बाय द हेल्प ऑफ लीवर एंड कैम हैंडल एंड द कैप आर रिमूव विद द लोडिंग ट्रे। वेट अमाउंट ऑफ ड्रग इज प्लेस्ड इन पाउडर ट्रे एंड केप्ड इन पोजिशन ओवर द बेड। स्प्रेड द पाउडर विद स्पैचुला एंड फिल द कैप्सूल बॉडी यूनिफॉर्मली। लोअर द पिन प्लेट टू प्रेस द पाउडर इन द बॉडीज। रिमूव द पाउडर ट्रे एंड प्लेस द कैप होल्डिंग ट्रे। प्रेस द कैप विद प्लेट विद रबर ट्यूब एंड ऑपरेट द लीवर टू अनलॉक कैप एंड बॉडी ऑफ कैप्सूल। सो इसके अंदर अब करते क्या है कि जो भी एम्प्टी कैप्सूल होता है उस एम्प्टी कैप्सूल को हम इस लोडिंग ट्रे के अंदर जितने भी होल्स प्रेजेंट होते हैं उस हर एक होल में हम क्या करते हैं इस एम्प्टी कैप्सूल को डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें एम्प्टी कैप्सूल को एक अच्छे तरीके से डालना है, हमें इस तरीके से यहाँ पे इस हर एक होल में यहाँ पे डालना है ताकि जो कैप हो, जो भी कैप्सूल का कैप वाला हिस्सा होता है वो कैप ऊपर दिखे हमें, और जो बॉडी वाला हिस्सा होता है वो बॉडी वाला हिस्सा नीचे लटकता रहे। अब जैसे ही हमारा कैप्सूल यहाँ लोडिंग ट्रे में अच्छे तरीके से भर जाएगा, फिर हम क्या करते हैं इस लोडिंग ट्रे को यहाँ से उठाते हैं और हम इस बेड के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे बेड पे रखने के बाद क्या होता है, जो बॉडी होता है कैप्सूल सेल का, जो नीचे लटकता रहता है, वो बॉडी इस बेड के हर एक होल में जाके फंस जाता है।
अब फंसने के बाद हम क्या करते हैं, इसे लीवर और कैम हैंडल के जरिए पूरे अच्छे तरीके से लॉक कर देते हैं इस बॉडी को। बॉडी को लॉक करने के बाद हमारा जो बॉडी है वो तो लॉक हो जाता है, लेकिन कैप लॉक नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इस कैप को जो लोडिंग ट्रे के अंदर अभी भी प्रेजेंट है, उस कैप को हम लोडिंग ट्रे के साथ बाहर निकाल देते हैं, साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या हैं, जो भी हमारा पाउडर ट्रे होता है उसे हम बेड पे लाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जितना हमें पाउडर यहाँ पे कैप्सूल के अंदर भरना होता है, उस पाउडर को हम क्या करते हैं पूरी तरह से इस बेड के ऊपर यानी कि इस पाउडर ट्रे के ऊपर पूरी तरह से बिछा देते हैं, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे फैला देते हैं। फैलाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी ये जो पिन प्लेट होता है, इस पिन प्लेट को हम नीचे लाते हैं थोड़ा और इस बेड के ऊपर प्रेस करते हैं। इसके वजह से होता क्या है, जो भी मेरा पाउडर कैप्सूल के अंदर भरा होगा, बॉडी के अंदर भरा होगा, वो और अच्छे तरीके से जाके अंदर जम जाता है। फिर जैसे ही मेरा पाउडर जम जाएगा, हम इस पिन प्लेट को ऊपर करते हैं, और पिन प्लेट को ऊपर करने के बाद हम पाउडर ट्रे को हटा लेते हैं। पाउडर ट्रे को हटाने के बाद फिर से हम लोडिंग ट्रे जो है, इस लोडिंग ट्रे को फिर से हम यहाँ पे लाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैप प्रेजेंट है, हमें अब कैप भी तो अटैच करना है। तो ये इस लोडिंग ट्रे को हम फिर से इस बेड के ऊपर लाते हैं। बेड के ऊपर लाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट है जिसके ऊपर रबर प्रेजेंट है, इस प्लेट को नीचे लाते हैं और इस बेड के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करते हैं। प्रेस करने की वजह से जो भी कैप इस लोडिंग ट्रे में प्रेजेंट है, वो कैप क्या होगा, यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद पूरे तरीके से जो हमारा कैप्सूल है वो रेडी हो जाता है। तो लास्ट स्टेप में हम करते क्या है, पूरे के पूरे कैप्सूल को जो अब पूरा रेडी हो चुका है, उस कैप्सूल को हम क्या करते हैं, ये मशीन में से बाहर निकाल लेते हैं। सो होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो ये जो कैप्सूल फिलिंग मशीन होता है, ये जो हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन होता है, इसके अंदर हम तकरीबन 5000 कैप्सूल्स एक घंटे के अंदर बना सकते हैं। एक घंटे के अंदर हम 5000 कैप्सूल्स के अंदर मेडिकामेंट्स और जो पाउडर होता है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टोरेज देख लेते हैं हार्ट जिलेटिन कैप्सूल का। द कैप्सूल कैन बी स्टोर इन बल्क कंटेनर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास विद अ पैकेट ऑफ सिलिका विच एक्ट एज अ डी ह्यूमिडिफायर। द कैप्सूल आर ऑल्सो पैक्ड बाय स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर पैकिंग एंड दे आर स्टोर इन द टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कोई भी कैप्सूल को, जो भी हार्ट रिलेटेड कैप्सूल होता है, उसे हम एक बल्क कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। ये कंटेनर या तो प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है या फिर ग्लास का बना हुआ हो सकता है। इसके अंदर ही हम कैप्सूल को रखते हैं, और कैप्सूल को रखने के साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जो सिलिका पैकेट होता है उस सिलिका पैकेट को भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। आपने बहुत सारे कंटेनर में देखा होगा कि जब वो कंटेनर में कोई भी मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उसके साथ ही साथ एक सिलिका का पैकेट भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये हर एक टाइप के कंटेनर में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सिलिका करता क्या है, ये एक डी ह्यूमिडिफायर की तरह काम करता है। या तो जो कैप्सूल होता है उसे हम एक स्ट्रिप पैकिंग या फिर ब्लिस्टर पैकिंग में भी अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सो होप आपको जो हार्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल का लेक्चर है पूरे अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें अपना डाउट ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और इस वीडियो के जो नोट्स है, इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।